इंदौर के दीपालपुर में आयकर विभाग ने 3 ठिकानों पर छापामार सर्वेक्षण की कार्रवाई की है। ये कार्रवाई व्यापारियों द्वारा टैक्स चोरी करने की सूचना मिलने के बाद की गई। इंदौर के समीप दीपालपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब इंदौर आयकर विभाग की टीम ने 3 व्यापारियों के ठिकानों पर सर्वेक्षण की छापामार कार्रवाई की। ये कार्रवाई सोने चांदी के व्यापारी अनिल सोनी, कपड़ा व्यापारी राजेश माहेश्वरी और कृषि व्यापारी महेश माहेश्वरी के ठिकानों पर की गई है। लंबे समय तक ये कार्रवाई चलती रही जिसमें आयकर विभाग की टीम ने कई दस्तावेज खंगालने में जुटी हुई है। आयकर विभाग को लंबे समय से टैक्स चोरी की जानकारी मिल रही थी, जिसके बाद संयुक्त आयकर आयुक्त वीजे बोरीचा के निर्देश पर आयकर विभाग के 22 लोगों की टीम ने दबिश दी। ये कार्रवाई धारा 133A के तहत सर्वेक्षण की कार्रवाई की गई है। आयकर विभाग इंदौर द्वारा दीपालपुर रीजन में माननीय संयुक्त आयकर आयुक्त श्री वीजे बोरीचा साहब के लीडरशिप और निरीक्षण में इनकम टैक्स एक्ट में जो धारा 133A है, जिसके तहत सर्वेक्षण यानी सर्वे की कार्यवाही की जाती है, वो 2-3 जगहों पे आज की गई है। बिकॉज हमारे पास टैक्स इवेजन हो रही है, ऐसी पक्की इन्फॉर्मेशन थी, तो धारा 133A का सर्वेक्षण 2-3 जगहों पे किया गया है, क्योंकि हमारे पास टैक्स इवेजन का इन्फॉर्मेशन था और कार्रवाई भी चल रही है। तो ये सेंसिटिव प्रोसीडिंग्स रहती है, तो जब तक ये कार्रवाई चलेगी तो इससे ज़्यादा कुछ भी और बता पाना अभी संभव। आयकर विभाग की इस कार्रवाई को देखते हुए अन्य व्यापारी संगठनों में सनसनी फैल गई। गोविंद मोटवानी, अजय तिवारी, विंदा राजेश, राजकुमार बागड़े, विजेंद्र वेद के अलावा कई अधिकारियों ने कार्रवाई को अंजाम दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।